हम बात कर रहे हैं सेल की। अगर लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो इसमें 2% तक की गिरावट हमको देखने के लिए मिला है और हम देख सकते हैं कि स्टॉक 88 से 92 के बिटवीन कंसोलिडेट हो रहा था, इसके बिटवीन फिर वहाँ से हमको रिजेक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इस रेंज को ब्रेकआउट कर जाता तो वैसे कंडीशन में हमको 94 से 100 के टारगेट दिखाता। अगर लगता नहीं है कि यहाँ से और बड़ी गिरावट देखने के लिए मिलेगी, अगर गिरावट आती भी है तो 84 तक की हमको गिरावट दिखा सकता है। 84 एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन हो जाता है तो वैसे कंडीशन में एक 80 का सपोर्ट सबसे आखिरी सपोर्ट रहेगा, लेकिन लगता नहीं कि 80 तक की गिरावट दिखाएगा। 84 की लेवल से हमको बाउंस बैक होता हुआ नज़र आ सकता है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। अगर पोजीशन बनानी है तो 84 या इसको ब्रेक डाउन करता है तो 80 के लेवल पर हम पोजीशन बना सकते हैं। अभी स्टॉक को 90 के लेवल को ब्रेकआउट देना इम्पोर्टेंट है। बाउंस बैक के साथ अगर 90 के लेवल को ब्रेकआउट देता है तो फिर वैसे कंडीशन में हमको 194 से लेके 100 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन अभी नज़र रखना है हमको 90 के लेवल पे।